कहाँ से हैं मैम आप? हम यहाँ से 300 किलोमीटर दूर हमीरपुर जिले से हैं। आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ हमारे रिलेटिव रहते थे ना, तो मतलब आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीए में एडमिशन ले रही हैं? हाँ, हम बीए। कौन कौन सा सब्जेक्ट मिला है आपको? हमें मेरा 150 नंबर है, तो मुझे एंशिएंट हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर और एक क्या फिलॉसफी मिला है। फिलॉसफी। हाँ। आपका सबसे रुचिकर सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा पॉलिटी, जो मुझे पॉलिटी नहीं, पॉलिटी नहीं मिला। नहीं मिला आपको? इंग्लिश लिटरेचर मिला है। हाँ जी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। आपको किसने गाइड किया कि सीएमपी डिग्री कॉलेज, जो कि आप भी जानती हैं, पूरे छात्र जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद जो सबसे अच्छा ब्रांच माना जाता है वो सीएमपी डिग्री कॉलेज है, तो आप इसके प्रति, सीएमपी डिग्री कॉलेज को प्रति आपको किसने मोटिवेट किया, किसने गाइड किया, मार्गदर्शन किसको आप मानती हैं कि हमारे थ्रू किसको आप श्रेय देना चाहती हैं, आप बताएंगी मैम? मेरा श्रेय मेरे पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने गाइड किया था तुम लोग जाके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ो, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो पापा तो यही चाहते थे कि तुम लोगों को मैन कैंपस मिले, अच्छे से पढ़ाई करो, बट मेरी पढ़ाई कुछ खास नहीं हो पाई, बिकॉज मेरी तबीयत उस टाइम ख़राब हो गई थी, तो मैं पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाई, तो मेरा इतना ही नंबर आया 150, तो उसी एम पी मिल गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आज आपका एडमिशन हो भी जाएगा। आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? था। चलिए, अच्छी बात है। तो बीएड करेंगी के एम ए? बीएड करेंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप एक ऐसी, इंटरव्यू आपका आज हुआ है जो कि आप टीचर के रूप में भविष्य में बनना चाहती हो, समाज सेवा भी, मतलब एक शिक्षिका के रूप में छात्रों को गाइड करेंगी। जो भी स्टूडेंट्स आए हैं स्टूडेंट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सबका लक्ष्य जो है वो यूपीएससी से ही रहा है, आईएएस और आईपीएस। आप पहली लड़की हैं हमारे स्टूडेंट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जिन्होंने टीजीटी और पीजीटी के बारे में चर्चा किया, बहुत अच्छी बात है। आप भविष्य की शिक्षिका बनेंगी और छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। अपना नाम बताइए मैम। मेरा नाम सोनम बानो है, मैं यहाँ इलाहाबाद के गाँव से हूँ। आपका भी एडमिशन आज हो जाएगा, किस में ले रही हैं आप एडमिशन? बीए में। बीए में आपको कौन सा सब्जेक्ट मिला? मुझे इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर और एजुकेशन मिला है। अच्छा, तो उर्दू, जैसा आप लोग जानते हैं, उर्दू आप लोगों के लिए अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। उर्दू आपका मनपसंद सब्जेक्ट है कि नहीं? मनपसंद सब्जेक्ट है, इसलिए तो लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं मैम? भविष्य में उर्दू से टीचर बनना चाहती हूँ। आप भी टीचर बनना चाहते हैं, क्या बात है। आज दोनों स्टूडेंट्स एकेडमी के जो महान होनहार छात्रा हैं, दोनों का टारगेट, मतलब लक्ष्य टीचर लाइन, मतलब एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत, भविष्य में आप लोग शिक्षिका बनना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको किसने गाइड किया कि सीएमपी डिग्री कॉलेज, जो कि अच्छा एफिलेटेड कॉलेज माना जाता है विश्वविद्यालय का? मुझको मेरी अम्मी ने गाइड किया था। चलिए, आज उतना पता नहीं था, लेकिन अम्मी को पता था, बोले कि यूनिवर्सिटी में एग्जाम दो, लेकिन यूनिवर्सिटी मिल नहीं पाया, कम नंबर थे। चलिए, अच्छी बात है, आज हो जाएगा एडमिशन। आप क्या महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी फैमिली क्या गौरवान्वित महसूस कर रही है? जी हाँ, हमारी फैमिली को बहुत, अभी अम्मी को फ़ोन लगाए थे तो उनको बहुत खुशी हुई ये सब सुनकर कि हाँ एडमिशन हो गया अच्छे से। चलिए, बहुत डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं, आज हो जाएगा आपका एडमिशन। और आज, जैसे कि आप जानती हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी दो विभागाध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए भी गए हैं, आप लोग सुनी होंगी समाचार पत्रों द्वारा, ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो प्रक्रिया चल रही है। अभी सीएमपी डिग्री कॉलेज में भी जो पीजी का कट ऑफ है वो जारी हो चुका है, और उसकी काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन को स्थगित करके ऑनलाइन कर दी गई है, तो आप इसके बारे में कुछ कहेंगी कि ऑनलाइन अच्छा होता है कि ऑफलाइन? अभी जैसे कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आ गया है, तो इसके हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस ही बेस्ट रहेंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप स्टूडेंट्स एकेडमी के बारे में कुछ कहेंगे कि जो हमेशा लगातार उन छात्रों के प्रति हमेशा तत्पर रही है, उन छात्रों की बाइट ले रही है?
स्टूडेंट एकेडमी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि इससे मतलब हम लोग को गाइडेंस मिलती है, मतलब जो भी स्टूडेंट अभी इंटरमीडिएट कर रहे हैं उन लोगों को इससे गाइडेंस मिलेगी कैसे सीएमपी में एडमिशन ले या फिर यूनिवर्सिटी में। अच्छा चलिए धन्यवाद मैम। आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स एकेडमी की पूरी टीम सीएमपी डिग्री कॉलेज में मौजूद है। 7 दिसंबर से यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, लगातार छात्रों की मदद कर रही है और उनसे बाइट लेके छोटे छोटे मुद्दों को हाइलाइट्स कर रही है। इसके बारे में आप कुछ कहेंगी मैम? इसके बारे में कहना चाहूँगी कि ये मतलब स्टूडेंट अकेडमी है ना, ये काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प करती है, तो सब लोग मतलब इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट कोई भी जानकारी आपको मिलती रहे। ये आपके मतलब फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। धन्यवाद मैम।